सीसीएल के कोयला उत्पादन में अहम भूमिका निभाने वाला पिपरवार क्षेत्र इस बार भी 17 मिलियन टन कोयले का उत्पादन का लक्ष्य हासिल करेगा। कई बाधाओं को दूर करते हुए यहां के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में यहां के सभी अधिकारी और कामगार लगातार कोयला उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने में जुटे हुए हैं। कोयला उत्पादन में किसी भी तरह से परेशानी न हो, साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाए, इसको लेकर अशोका खदान के पास कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से कोयला उत्पादन की मॉनिटरिंग की जाती है। कोयला उत्पादन के संबंध में हमारे चैनल से खुद पिपरवार क्षेत्र के महाप्रबंधक मनोज कुमार अग्रवाल ने बात की और हमें बताया कि किस परिस्थिति में कोयला उत्पादन हो रहा है और किस तरह कोयला उत्पादन के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। सर, क्या स्थिति है प्रोडक्शन की? सर, पहले तो मैंने मिशन न्यूज के आप सभी सदस्यगणों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस मार्च महीने में आप लोगों के तरफ से भी जो पिपरवार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है और जो आप लोग इसको जागरूकता लोगों में उत्पादन के प्रति सब लोगों में फैला रहे हैं, वो हमारे लिए गर्व की बात है। जहाँ तक उत्पादन की बात है, अभी पिपरवार और अशोका पिपरवार क्षेत्र के लिए उत्पादन में दिन रात एक सभी कर्मचारी अधिकारी और श्रमिकगण लगे हुए हैं और इनिशियली जो हमारा टारगेट 21 मिलियन का था, उसके नज़दीक से नज़दीक पहुँचने की हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारा विभागीय प्रोडक्शन और आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन भी, जो कि ज़मीन के कमी के कारण शुरुआती दिनों में महीनों में पिछड़ रहा था, अब हमारे कंपनी के चीफ मुखिया सीएमडी साहब के अथक प्रयास से एक 1.68 करोड़ का मुआवजा, 21 घर, 4 कुआं, 2 तालाब का बहुत महीनों से रुका हुआ था, वो अप्रूव होकर, सेंक्शन होकर और उसका हम लोगों ने चेक वितरण करना भी परसों से शुरू कर दिया है। उससे यहाँ के लोगों में एक बहुत बड़ा विश्वास जमा है और हमें आगे बढ़ने का रास्ता खुलते जा रहा है, जो कि अगले वर्ष तो हम जितना भी टारगेट हमें मिलेगा वो करेंगे ही और इस बार भी हमारा उत्पादन आज के दिनों में 1 लाख पहुंच गया है और लगातार 4-5 दिनों से हम लोग 1 लाख को पार कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोगों में इतना मोटिवेशन हम लोगों ने सब मिलजुल कर आपस में किया है और माननीय हमारे सीएमडी साहब ने भी 2 दिन पहले सबको उद्बोधित किया था और सभी लोग उत्साहित हैं, उमंग में हैं और कुछ कर दिखा देना है और पूरे क्षेत्र को एक सम्मानजनक उत्पादन लक्ष्य की तरफ पहुंचाना है, जिससे कि कंपनी का भी उत्पादन लक्ष्य पिपरवार क्षेत्र, उसमें जो हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है, इस बार भी निभाएगा। सर, अभी तक क्या कितना हो पाया है? अभी तक हम लोगों का लगभग 147 लाख, 147.5 लाख टन कोयला दोनों प्रोजेक्ट मिला करके हुआ है और इसको हमको लगता है कि हम इसमें एक अच्छा खासा प्रगति 21 मिलियन के तरफ पहुंचने का प्रयास करेंगे। उतना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बाद में ज़मीन वगैरह क्लियर हुआ, लेकिन 1 लाख जो हम प्रतिदिन 1,05,000 कर रहे हैं, इसमें हम एक समुचित वृद्धि कर पाएंगे। सर, अभी जो 1 लाख हो रहा है, कहाँ से कितना हो पा रहा है? सर, इस 1 लाख में लगभग 30 से 35 हज़ार हो रहा है पिपरवार परियोजना से और 65 से 70 हज़ार अशोका परियोजना से हो रहा है। आने वाले दिनों में जो टारगेट का नज़दीक पहुंचने का काम है, वहां तक पहुंच जाइएगा आप? हाँ, बिल्कुल, हम लोग इसमें लगे हैं कि सुरक्षित, देखिए उत्पादन में हमें सुरक्षा बरतने की काफ़ी आवश्यकता है, सुरक्षित उत्पादन करके हम लोग एक सम्मानजनक लक्ष्य और एक उपलब्धि हासिल करेंगे और अपने माननीय सीएमडी साहब के नेतृत्व में, जिनका कि लगातार हमें सहयोग मिल रहा है, एक लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे जो कि क्षेत्र और सीसीएल के लिए सम्मानजनक रहेगा। कामगारों के लिए कुछ व्यवस्था और मॉनिटरिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है जगह जगह पर? जगह जगह पर कामगारों के लिए मॉनिटरिंग, सुरक्षा और उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभागीय में हम लोगों ने बीच बीच में पानी, नाश्ता, रात में सुपरविजन बढ़ाने के लिए अलग से टीम गठित किया गया है। हमारे सीनियर अफसर के अधिकारी कई दिनों से ही शिफ्ट के शुरुआत में आते हैं, जिससे कि शिफ्ट का कारोबार सही समय तक चले और जल्दी शिफ्ट चालू हो, सुरक्षित रहे।
खदान से लेकर के आरसीएम साइडिंग बचरा साइडिंग के बीच में भी अलग अलग दल अलग अलग समय में नियुक्त कर दिया गया है। हमारे जो पर्सनल के अधिकारी हैं उनको भी ड्यूटी में लगा दिया गया है कि इतने बड़े प्रोडक्शन के ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जगह जगह हमारे अपने पर्सनल विभाग के, सिक्योरिटी विभाग के और साथ में सीआईएसएफ की अलग अलग टीम गठित कर दी गई है, जिससे कहीं ट्रैफिक जाम ना हो और सुरक्षित उत्पादन चलता रहेगा।